पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कि बिग बॉस जो बोल रहा है वो कर रहा है। कैसे, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। मैं आपको बता दूं कि कुछ 2 से 3 हफ्ते पहले की बात है जब बिग बॉस का एक प्रोमो आया था जिसके अंदर कहा गया था अभी नहीं तो कभी नहीं। पर यहां पर आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर के अंदर फिलहाल एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। कॉन्ट्रोवर्सी है अभिनव शुक्ला वर्सेस कविता कौशिक। मैं आपको बता दूं कि कविता कौशिक और रुबीना दिलाई की जब घर के अंदर लड़ाई हुई थी, दोनों के अंदर बहुत बड़ी फाइट हुई थी, इस दौरान जिस समय पर उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया था कविता कौशिक ने, उस समय पर कविता के हस्बैंड रौनक इन्होंने जरा कुछ कॉमेंट किए थे अभिनव शुक्ला को लेकर कि अभिनव शुक्ला जो है वो बहुत बड़े ड्रंकर है। ड्रंकर होने के साथ साथ उन्होंने जो है वो कविता कौशिक को काफी गंदे गंदे मैसेजेस करे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है। इनफैक्ट इतनी नौबत आ गई थी कि कविता कौशिक को पुलिस बुलानी पड़ी। ये बात जो है सारी चीजें खुल खुला के जो है वो सामने आ चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये वाली बात जो है वो अंदर घर के अंदर रुबीना और अभिनव को भी मालूम है कि भाई विकास गुप्ता ऑडिट जो है इन सब चीजों के बारे में उन्हें बता चुके हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट ये है कि सलमान खान जो है, ऐसी सोर्सेस की तरफ से खबरें सामने आई हैं कि सलमान खान जो है वो लेकर आने वाले हैं कविता कौशिक और रौनक को इस वीकेंड के बाद में। जी हाँ, आज फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे है, तो सैटरडे या संडे में से ऐसी सोर्सेस तक खबरें सामने आ रही हैं कि भाई कविता कौशिक और रौनक जो है दोनों आ सकते हैं बिग बॉस के घर के अंदर। इनफैक्ट या तो स्टेज पे आएंगे या घर के अंदर आएंगे, और इस बात का आमना सामना होगा कि आखिरकार किस तरीके से क्या जो पूरा सिनेरियो निकल कर आ रहा है और ये जो बातें कही जा रही है कि आखिरकार इन सब चीजों को लेकर है क्या एग्जैक्टली, पूरा जो मैटर है वो है क्या। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर मेकर्स सच में लेकर आ जाते हैं तो ये जो चीजें हैं बहुत एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी, कौन झूठा कौन सच्चा, क्योंकि रुबीना दिलाई भी चाहती है फिलहाल जवाब देगी। अब ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेकर्स का ये डिसीजन आपको कैसा लगा, राइट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बन रही चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।